दूसरी चीज जो नेकी है एजुकेशन के बाद वो है कैरेक्टर। मैं अक्सर कहा करता हूं कि इस्लाम जो अगर पूरी दुनिया में फैला है तो उसके फैलने की सबसे बड़ी वजह यह है, एक वजह यह भी है कि इस्लाम के मानने वालों ने अपने किरदार से इस्लाम को पूरी दुनिया में पहुंचाया। यहां पर हजरत मौला अली का एक किरदार आपके सामने पेश करता हूं। आप देखें, गौर करें, खुदा की कसम उम्मत मुस्लिमा को किसी की जिंदगी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, वो मोहताज ही नहीं है, इसलिए कि इस्लाम के मानने वालों में और हुजूर के गुलामों में ऐसे ऐसे महताबो आफ्ताब पैदा हुए हैं कि उनको अगर फॉलो करें तो हमारी दुनिया आखिरत दोनों संवर सकती है। लेकिन क्या किया जाए, कोई शाहिद आफरीदी को पढ़ता है तो कोई किसको पढ़ता है, तो कोई किसको पढ़ता है, तो कोई किसको पढ़ता है, कोई क्या नॉवेल पढ़ता है, कोई क्या पढ़ता है, ये पढ़ पढ़ के तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। सीरत कोई नहीं पढ़ता, साहबा की जिंदगी कोई नहीं पढ़ता। आप अखलाक देखें, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का, दुश्मन मुकाबले में है और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को शहीद करने के लिए आया है और सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उस पर काबू पा लिया, गिरा दिया, तलवार उसके गर्दन के करीब कर दी और उसने मौला अली पर थूक दिया। मौला अली ने उसे छोड़ दिया। अब आप मुझे बताएं, उस मंजर को थोड़ा सा दिमाग के अंदर लाने की कोशिश करें कि आप किसी दुश्मन पर काबू पा लें और कोई आप पर थूक दे तो आप क्या करेंगे? पहले गर्दन उड़ाने वाले का उड़ाने का प्रोग्राम होगा, लेकिन इस अमल के बाद उसका टिक्का बोटी कर देने का ख्याल पैदा होगा। लेकिन मौला अली छोड़ देते। वो शख्स खड़ा होता है, कहता है, अली तुमने मुझ पर काबू पा लिया, उसके बाद भी मुझे छोड़ दिया, और मैंने थूका था तुम्हें, उसके बाद भी तुमने मुझे छोड़ दिया। सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जवाब में इरशाद फरमाया, अगर मैं तुझ पर काबू पाकर तुझे कत्ल करना चाहता था तो उसमें मेरी जात का कोई दखल नहीं था, मैं सिर्फ ये काम अल्लाह के लिए कर रहा था, और जब तूने मुझ पर थूका तो मेरे नफ्स ने मुझसे कहा कि अली अब मत छोड़ना, तो मेरे दिल ने कहा अली पहले खुदा के लिए कर रहा था, वो अपनी जात भी शामिल हो गई, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। उस शख्स ने कहा, जो दुश्मनों से ऐसा सुलूक करता हो उसके किरदार का क्या कहना, अली कलमा पढ़ा और मुझे मुसलमान कर लो, मुसलमान हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा देखें आप। एक सहाबी कहते हैं कि मैं इस्लाम तो कबूल कर चुका था लेकिन इस्लाम मेरे सीने में जितना बैठना चाहिए उतना नहीं बैठा था। मैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में था, सफर से वापसी पर एक जगह हमने पड़ाव डाला, सहाबा अपने अपने काम में मसरूफ हो गए, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को काम करते देखा तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोशी से वहां से उठे और चल दिए, साहबा को पता तक नहीं चला। थोड़ी देर के बाद साहबा को एहसास हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आ रहे। साहबा हुजूर की तलाश में निकले, अल्लाहु अकबर, क्या देखते हैं? वो रसूल आजम जिनका एक कदम फर्श पर और दूसरा कदम अर्श पर, वो अपने कांधों पर लकड़ी की गठड़ियां उठाए हुए तशरीफ ला रहे थे। उस सहाबी कहते हैं, जब मैंने ये देखा तो मेरी अक्ल दंग रह गई, हम सब दौड़े हुजूर के पास, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने लकड़ियां तोड़ने की जहमत क्यों गवारा की? हुजूर, हम आपके खादिम मौजूद थे, हमें आप हुक्म फरमाते तो हम खुद लकड़ियां तोड़ करके ले आते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चाहता था कि तुम तुम्हारे हिस्से का काम करो, मैं मेरे हिस्से का काम करूं। वो सहाबी कहते हैं कि हुजूर के इस अमल को देखने के बाद इस्लाम मेरे सीने के अंदर मुकम्मल तौर पर उतर गया। पता ये चला, एक होती है जबानी तबलीग और एक होती है कौली तबलीग। अब दुनिया को हजार अपनी जमा से इस्लाम की सच्चाई की बात करें लेकिन वो चीज इतनी मुआसिर नहीं हो सकती जितना हम अपने कैरेक्टर के जरिए इंसान के सीने में इस्लाम की अजमतों को बिठा सकते हैं।